नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुज मैथ क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट, आज डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में कि भाई कल पेपर जो आपका है 2 से 4:30, उसको आपको अटेम्प्ट करने की आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। अटेम्प्ट करने की स्टूडेंट आपकी अप्रोच, ठीक है, अटेम्प्ट करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए स्टूडेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे लिए। क्योंकि मेरे अनुसार कंटेंट कभी भी उतना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, क्योंकि सभी लोग कंटेंट पढ़ते हैं, ठीक है, सभी स्टूडेंट कंटेंट पढ़ते हैं। 80% ने लगभग कोचिंग ऑफलाइन या ऑनलाइन ज्वाइन किया ही था, लेकिन फिर भी उनकी रिजल्ट्स में इतना डिफरेंस क्यों आता है, वेरी क्यों करता है रिजल्ट इतना, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी स्टूडेंट आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, चलिए उसके ऊपर डिस्कस करें। मेरे लिए यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमेशा, एज कम्पेयर टू IQ। कंटेंट पढ़े, सभी लोग कंटेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन अंतर आ जाता है उनके रिजल्ट में बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आज डिस्कस करते हैं उन कमियों की या गलतियों की जिसको कि ज़्यादातर स्टूडेंट रिपीट करते रहते हैं और उससे वो सफलता से वंचित रह जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो स्टूडेंट नए ऐड हुए हैं वो शेयर और लाइक ज़रूर कर लें। चलिए, नंबर वन जो काम करना है स्टूडेंट, आपको पेपर ओपन करने के बाद में पहले पूरा प्रश्न पढ़ें, उसको सरसरी निगाह से नहीं देखें, ये पहला काम। पहले पूरा प्रश्न पढ़ें, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ, बहुत आसान लग रहा होगा, सर ये तो हम पढ़ते ही हैं। नहीं पढ़ते हैं, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट कल का जो पेपर, जो अगर आपने साइंस का पेपर देखा होगा तो उसमें स्टूडेंट बहुत से क्वेश्चन नहीं वाले थे। नहीं, मैं कल साइंस के पेपर की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ कि उसमें कल जो साइंस का पेपर कंडक्ट हुआ था उसमें स्टूडेंट बहुत सारे प्रश्न नहीं वाले थे। मैंने खुद ने देखे, उसमें पेपर आने के बाद में स्टूडेंट से मांग करके, स्टूडेंट तो उसमें नहीं वाले प्रश्न थे। तो अगर आपको प्रश्न पूरा ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो, चूंकि ये नहीं लास्ट में कहीं लिखा हुआ रहता है, मैं कई बार स्टूडेंट इस शब्द को ध्यान नहीं रखता, प्रश्न पूरा पढ़ के आंसर भी लगा देता है, फिर बाद में कोई उसको बाहर आकर के बोलता है कि भाई इसमें तो नहीं लिखा हुआ था। तो सुन, ऐसे झटके आपको नहीं लगे, वो आपको ध्यान रखना है कि पहले पूरा प्रश्न पढ़ें सावधानी पूर्वक, ठीक है। समय को भूल जाइए, मुझे इतने समय में इतने प्रश्न करने, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, ठीक है, वो सब भूल जाइए आप। पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है, नंबर 1। क्यों करना है मैंने बता दिया आपको, नहीं वाले प्रश्न कई बार आ जाते हैं जो कि आप ध्यान नहीं रख पाते हो और वो प्रश्न गलत हो जाते हैं। नंबर 2, चारों ऑप्शन पढ़ें, ये दूसरी बात है इंपॉर्टेंट। चारों ऑप्शन पढ़ें, क्यों पढ़ें भाई, भले ही आपका जो उत्तर निकाला गया स्टूडेंट वो आपका ऑप्शन ए में आ चुका है, तब भी आपको BCD पढ़ना है। हो सकता है उससे और कोई करीबी हो और डी ऑप्शन में जाकर के लिखा हो भाई कि A एंड B दोनों। ऐसा स्टूडेंट ज़्यादातर आपके जो भी आपके एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा है, रियल एनालिसिस है, जहाँ पर भी आपके थ्योरम्स हैं उनको आप विशेष ध्यान रखिएगा। लेकिन मैंने क्या कहा आपको, पहले पूरा प्रश्न पढ़ें, चारों ऑप्शन पढ़ें, भले ही आपने जो आंसर निकाला है वो आपका ऑप्शन ए में मिल चुका है, इसके बावजूद भी आपको BCD रीड करना है। हो सकता है मैंने क्या कहा, डी में जाकर के ए और बी दोनों लिखा हुआ, जो उससे भी ज़्यादा करीबी है, किससे, ऑप्शन ए से। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है, पहला काम पूरा प्रश्न पढ़ना है, फिर सॉल्व करने के बाद में चारों ऑप्शन पढ़ने, ठीक है। समय की बात आप शुरू की 1 घंटे में भूल जाइए, आपको समय 1 घंटे में, तो आपको पहले ये देखना है कि मेरे क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। जल्दबाजी, हड़बड़ाहट, पैनिक नहीं करना है, एटलीस्ट फॉर 1 आवर, शुरू के 2 से 3 बजे के बीच में, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं मेरे हिसाब से। आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आइए अब नंबर 2 पर, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे वो गलतियां जो ज्यादातर स्टूडेंट कर जाते हैं। नंबर 2, ठीक है, देखिए स्टूडेंट नंबर 2 पर क्या है, आपको जो विशेष ध्यान रखना है आपको कि भाई अगर आपको पेपर पढ़ते समय, मान लो कि स्टूडेंट आपको पेपर जैसे खोला 5 प्रश्न आपको शुरुआत के नहीं आए, एक नहीं आया, दो नहीं आया, तीन नहीं आया, चार नहीं आया, पांच नहीं आया, तो वहीं से दिक्कत खड़ी हो जाती है। 5 प्रश्न लगातार अगर आपको नहीं आए, ठीक है,
ये सब बातें स्टूडेंट मैथ्स के लिए, हालांकि हर पेपर में लागू होती है लेकिन मैथ्स के लिए विशेष है। पांच प्रश्न लगातार नहीं आए तो स्टूडेंट यहां से क्या होता है कि जो विद्यार्थी है, जो एस्पिरेंट है, उसका कॉन्फिडेंस डाउन होना शुरू हो जाता है, यार पांच प्रश्न नहीं आ रहे, अब आगे क्या होने वाला है। बिल्कुल भी पैनिक नहीं करें, पेज बदल दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गहरी सांस लें, ठीक है, और ईश्वर को याद करें और पेज बदल करके अगले पेज पर आ जाए, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है टेंशन लेने की, पांच प्रश्न लगातार, ऐसा कई बार होगा आपके साथ जहां कर भी आपको पांच प्रश्न लगातार, छह प्रश्न लगातार, चार प्रश्न लगातार नहीं आएंगे, तो वहां अगर आपने पैनिक कर लिया तो उससे क्या हो जाएगा कि जो चीज़ें आपको याद हैं बहुत तेज़ी से आप उन फॉर्मूलों को, सूत्रों को, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को भूलना शुरू कर देंगे, और एक बार जब आप भूलना शुरू कर देंगे स्टूडेंट तो फिर वापसी करना मुश्किल हो जाता है मैथ्स में। तो आपको पूरे ढाई घंटे तक कॉन्फिडेंस का लेवल हाई रखना है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, ताकि जो आपने मेहनत की पिछले 6-8-10 महीने की, उसका पूरा पूरा दोहन, पूरा पूरा निचोड़ वहाँ कर सकें। पढ़ पढ़ के बहुत सारा जाते हैं, अच्छे अच्छे स्टूडेंट वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, उसका रीज़न क्या है, बहुत छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स स्टूडेंट करते रहते हैं, ठीक है। पांच प्रश्न लगातार नहीं आए, छः नहीं आए, सात नहीं आए, कोई टेंशन नहीं, पेज बदलो, गहरी सांस पढ़ो, ईश्वर को याद करो और अगले पेज पे आ जाओ। प्रश्न तो मिलेंगे, आपने पढ़ाई की है तो क्यों नहीं मिलेंगे, ठीक है। हाँ, बस इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस लेवल आपका ऊपर होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस ये तेजी से नीचे नहीं गिरना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखें, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखें, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए नंबर तीन, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड बना के रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। यहां अक्सर का स्टूडेंट गलतियां कर जाता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब क्या है भाई, इसका मतलब यह है कि आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे बहुत से मिलेंगे जो कि आपको पहली बार देखने को, अरे भाई ये क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं कभी, अब इसका क्या करूं, अटेम्प्ट करूं या नहीं करूं, उस क्वेश्चन को एक बार रीड तो करिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाइए, हो सकता है क्वेश्चन जो आपने पहले कभी नहीं देखा हो लेकिन आपको उसका बेसिक अच्छे से पता है, लाइक इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन में स्टूडेंट काफ़ी सारे प्रश्नों से ऐसा वास्ता आपका पढ़ सकता है जो कि आपने पहले नहीं किए हो, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा मामला है इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट हो गया, पूरा कैलकुलस का स्टूडेंट यही मामला है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रेजेंस ऑफ माइंड के बेस पर करने पड़ेंगे, उनको आप छोड़ नहीं सकते, यार ये तो कहीं दिखा हुआ नहीं लग रहा है इसको तो छोड़ो, अगला भी ऐसा ही मिलेगा, देखा हुआ नहीं लग रहा उसको छोड़ो, तो सुन आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना पड़ेगा कि नहीं इसको मैं एक बार चेक करता हूँ, हो सकता है मुझसे कि सॉल्व हो जाए, ठीक है, सॉल्व होए तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको स्किप करो। तो आप स्टूडेंट प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना आपका बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी बात, कई बार क्वेश्चन पढ़ते समय उसके बगल में कोई कंडीशन लिखी हुई रहती है, कंडीशन लिखी हुई रहती है, वो आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लें, कई बार स्टूडेंट उन कंडीशंस को नहीं देख पाते हैं और उसी से आपका उत्तर पूरा पूरा बदल जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं स्टूडेंट वेक्टर के अंदर, 12th पार्ट के अंदर, कि भाई ए बी सी का मान बताइए, तो स्टूडेंट ए बी सी आपको पता है ये आपका वेक्टर के अंदर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाता है, ए डॉट बी क्रॉस सी, लेकिन यहां अगर लिख दिया कि भाई ए बी सी समतली है तो भाई इसका आंसर सीधा सीधा जीरो आ जाएगा। बट अगर आपने वो नहीं पढ़ा, बॉक्स में कहीं लिखा हुआ है ब्रैकेट में आगे जाकर के भाई ए बी सी आर कोप्लेनर समतली है, तो भाई आप तो ए बी सी को पहले देखते ठोक दोगे ए डॉट बी क्रॉस सी बस, और फिर लास्ट में ये कहीं लिखा रहेगा डी ऑप्शन में जीरो, वहां तक तो आप पहुंचे ही नहीं। इसलिए मैंने कहा चार ऑप्शन पढ़िए और साथ में जो कहीं बगल अगल बगल में कहीं लिखा हुआ है कोने में कि भाई ए बी सी समतली है, तो आपको चीज़ों को देखना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के रखना है, ढाई घंटे तक कॉन्फिडेंस, जोश आपका हाई होना चाहिए, ठीक है। इससे आप कम भी पढ़ के जाएंगे तो भी अच्छा रिजल्ट देंगे, अच्छा आउटपुट देंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अब आ जाइए आगे की बात पर, नंबर चार, ये वो गलतियां हैं जो मैं बता रहा हूं कॉमन स्टूडेंट्स ज्यादातर रिपीट करते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, आपको स्टूडेंट एट लिस्ट स्टूडेंट आपको 150 में से कम स्टूडेंट आपको 70 क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने गोले होने ही चाहिए आपके 70। कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर 60 पर 120 हो रहा है मिनिमम, तो देखिए स्टूडेंट क्या होता है मैथ्स में नहीं हर सब्जेक्ट में कई स्टूडेंट्स का जो एरर ऑफ जो होता है स्टूडेंट वो लगभग स्टूडेंट आपका 10% तक हो जाता है, कि अगर आपने 70 प्रश्न आपने अगर अटेम्प्ट किए हैं तो स्टूडेंट ज़्यादातर 90 से 95% क्वेश्चन जो
स्टूडेंट्स का देखने में आया है कि अगर 70 क्वेश्चन अटेंड किए तो उसमें से उसके 5 या 6 प्रश्न गलत निकल ही जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट बहुत विरले ही होते हैं, या मैंने कभी नहीं देखा कि सर ने 70 प्रश्न किए हैं और 70-70 सही हैं, क्योंकि इसमें साइको भी आएगा, वो कई बार धोखा दे जाता है। फिक्स बात है कि 70 प्रश्न में आपका साइको भी इंक्लूडेड हो गई होगा। तो स्टूडेंट 70 प्रश्न अगर आप करके आते हैं तो भाई पक्की बात है स्टूडेंट उसमें से आपके 5 से 6 प्रश्न गलत हो जाते हैं। ये एक ह्यूमन नेचर है, गलत हो जाते हैं। अगर इससे कम है तो फिर बहुत बढ़िया बात है, वही तो करना है आपको। अगर आप 70 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं स्टूडेंट और अगर आप 4 से 5 प्रश्न की गलत करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, क्योंकि स्टूडेंट मैथ्स में आपके प्लस माइनस पक्षांतरण ये बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं, फॉर्मूले जो कि आपको याद नहीं आते हैं, प्लस माइनस की गलतियां, ये सब गलतियां मिल करके अगर आपके 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट है तो स्टूडेंट उसमें से 5 या 6 अमूमन स्टूडेंट के गलत हो जाते हैं। तो फिर देखिए आपके कितने बचे, आपके बच्चे 64 या 65, फिर जो क्वेश्चन गलत हुए वो और रॉन्ग होंगे, तो आप बिल्कुल 120 के बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे, जो कि आपको एटलीस्ट चाहिए 40% के हिसाब से। तो स्टूडेंट क्या समझना है आपको कि क्वेश्चन आपको 60 नहीं करने हैं, गोले 60 नहीं लगाने हैं, गोले मेरे अकॉर्डिंग स्टूडेंट कम से कम आपको 70 रखने हैं, ठीक है 70। बट जिसको फुल कॉन्फिडेंस हो 100% कि भाई मैंने 62 किए और मेरे 62 के 62 सही है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर वो बोलता है कि मैंने 62 किया सर 62 सही है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 124 नंबर हो रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका चल सकता है। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट गलतियां हो जाती हैं, हर कोई कर देता है, ये ह्यूमन नेचर है। तो आपको इन्हीं गलतियों को कम करना है, ठीक है। ये गलतियां अगर आपकी कम होती गई, लाइक आपने 80 प्रश्न सॉल्व किए, 80 आपने गोले लगा दिए, 80 प्रश्न के स्टूडेंट 80 गोले हुए, तो स्टूडेंट 80 गोले हैं तो आप ज़्यादा गलतियां स्वीकार नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ आपकी 10 या 12 प्रश्न ही गलत होंगे तभी चलेगा, यही आप अफोर्ड कर पाएंगे, ठीक है। 10 या 12 प्रश्न ही गलत आप अफोर्ड कर सकते हैं, कितने में से आउट ऑफ 80, ठीक है। ये मैं गणित इसलिए समझा रहा हूँ आपको क्योंकि आपको एक टारगेट आप घर से लेके चले कि 70 मुझे कम से कम करने हैं, 68 से 70 की भी ये मेरा मिनिमम है, क्योंकि अगर आप इससे कम जा रहे हैं तो फिर दिक्कतें शुरू हो सकती हैं। कुछ भी क्वेश्चन अगर आप गलत हुए तो भाई आप अगर 119.9 तक भी पहुंचेंगे तब भी दिक्कतें आपके सामने आ जाएंगी। तो इससे तो बेहतर था कि भाई 2-3 क्वेश्चन जो हमको 50-50 वाले वो हम अटेंड करते, हो सकता है हमारे काम हो जाता, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये मैं एक सामान्य फिगर बता रहा हूँ, जनरल फिगर 70 वाला, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि सभी को अटेम्प्ट करना है। मैंने क्या कहा, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि भाई मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो बिल्कुल सही है 100%, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसा कम ही होता है, विरले स्टूडेंट के साथ ही होता है कि बिल्कुल श्योर होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट ये RPSC है, क्वेश्चन का लेवल ईजी भी आता है, मॉडरेट भी आता है, टफ भी आता है, सभी कुछ मिला जुला करके आता है स्टूडेंट, ठीक है। तो आप बिल्कुल कभी 100% श्योर बहुत से क्वेश्चन में नहीं हो पाते हो, आंसर निकालने के बाद भी कई बार स्टूडेंट आप श्योर नहीं हो पाते हो, ठीक है। तो आपको कम से कम 68 से 70 का टारगेट स्टूडेंट एटलीस्ट रखना ही है फॉर जनरल कैटेगरी, कि भाई हमारे इतने तो कम से कम गोले लगें, और उसमें से अगर 3-4 अगर उल्टे गलत भी हुए तो हम 120 से नीचे नहीं पहुंच जाएं कैसे भी करके, क्योंकि अगर 119.9 पर भी आ गए तो भी आपके पर तलवार लटक जाएगी। बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है, 68 से 70 कम से कम हमारे होने चाहिए। और स्टूडेंट देखिए, गोले लगाते समय मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप एक साथ गोले लगाने के लिए लास्ट के 10 मिनट का वेट नहीं करें। आपने 20 क्वेश्चन कर दिए तो स्टूडेंट 20 के गोले लगा दीजिए, ताकि आपके वो 20 तो कंफर्म हो जाएंगे, 20 के गोले, ठीक है, 20 के गोले लगा दीजिए ताकि वो आपके कंफर्म हो गए। हाँ भाई, अब मेरे 20 क्वेश्चन मेरे खरे हैं, ये तो मार्क्स आएंगे ही आएंगे। लास्ट समय के लिए कभी नहीं छोड़िए, क्योंकि अगर आपने लास्ट समय के लिए छोड़ा 10 मिनट में तो स्टूडेंट अगर आपकी सीरीज चेंज होनी शुरू हुई तो बहुत भारी पड़ेगा। ए की जगह बी, बी की जगह सी, सी की जगह डी, ऐसा अमूमन कई बार देखा गया है, पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। तो स्टूडेंट आपने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, गोले लगा दीजिए 20 खरे, फिर आगे के 20 ऐसे 20 ऐसे ही आप सोच करके घर से जा सकते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए स्टूडेंट, समरी क्या है कि आप ऐसी कोई गलती नहीं करें एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कि आपको बाहर जा करके और याद करना पड़े, अरे यार ये तो मैं कर सकता था, ये मैंने नहीं कर पाया, ये तो मैं रोज घर पर करता हूँ और ये कैसे गलत हो गया। अगर आपने ये वाक्य बाहर आकर के नहीं बोले तो फिर आपका पेपर सक्सेसफुल है। क्या कहा है मैंने आपने कि अगर आपको बाहर आकर के आपके प्रश्न गलत नहीं निकले कि यार ये तो मैं कर सकता था, ये मैं नहीं पढ़ पाया,
यार ये मैंने अटेम्प्ट करने में गलतियां कर दी, बस काश वाला शब्द नहीं आए, तो फिर आपका सक्सेसफुल है और आप रिजल्ट के करीब हो, सक्सेस के करीब हो आप। लेकिन बस ज़्यादातर सुन क्या करते हैं, अरे यार ये अटेम्प्ट नहीं कर पाया, ये मैं कर सकता था, ये मैंने गलत कर दिया, तो बस ऐसे ऐसे शब्द बाहर आकर के आपके मुंह से सुनने को नहीं मिले बस। ठीक है, तो समरी यही है स्टूडेंट कि पूरे प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ में आपका पेपर अटेम्प्ट करें, प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्योंकि स्टूडेंट चार चार साल बाद मौका मिलता है पेपर में बैठने का, तो स्टूडेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहते हैं ये ढाई घंटे। आपने क्या पढ़ा वो सब घर पर छूट जाता है, अगर वहाँ आप अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो स्टूडेंट आपकी पढ़ाई मेहनत कोचिंग का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक है, और एक और बात बोल दूँ, आपके पड़ोसी के गोले देख करके इन्फ्लुएंस नहीं हो जाए, है ना, गोले देख करके पड़ोसी के, बस ये मैंने बात पहले भी बताई है, अपन बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं चीज़ों से, आजू बाजू देख लेते हैं और भाई उसके तो पूरे पूरे गोले दिख रहे हैं 100-100, फिर अपन क्या करते हैं लास्ट के 5 मिनट में स्टूडेंट 2 घंटे 25 मिनट तक तो स्टूडेंट पेपर में रहता है सिलेक्शन के करीब, लेकिन 5 मिनट इतना भारी पड़ता है कि 5 मिनट में उसने 10 से 15 गोले लगा दिए जो उसको बाहर कर देते हैं। 10 से 15 गोले गलत हो गए क्योंकि उसने क्या किया, रिस्क ले लिया, पड़ोसी के आजू बाजू देख लिया, पड़ोसी को कुछ आता ही नहीं है, आजू बाजू जो 4 जने बैठे हैं उसके, है ना, उसने कहीं देखा और यार दूर से दिख रहा है इतने गोले, वो दूर से दिख रहा है इतने गोले, मेरे तो भाई पैसा नहीं लगे, अब क्या करूं, तो गोलों की संख्या बढ़ाते बढ़ाते वो 90 हो जाता है, वो खुश तो हो जाता है लेकिन बाहर आकर के सब गलत। तो सुन ये आप ध्यान रखें कि गोलों से प्रभावित नहीं हो, आसपास के जो भी बच्चे आपके लगा रहे हैं ओवल कर रहे हैं स्टूडेंट, उससे आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, आपको केवल अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना है कि नहीं जो मैंने किया वो काफ़ी है, 65 है 70 है 68 है, ठीक है ये है। और पेपर अगर टफ है आपको देखने में पता चल जाएगा, अगर आपने 6 महीने अच्छी पढ़ाई की स्टूडेंट पता चल जाएगा आपको, अगर पेपर टफ है तो स्टूडेंट ज़्यादा स्कोर नहीं करें, 70-65 तो करना ही है आपको, उससे कम में काम नहीं चलेगा, उसके ऊपर नहीं जाए। ठीक है, क्योंकि पेपर टफ है तो स्टूडेंट मेरिट कन्फर्म बात है कि अभी डाउन ही जाएगी, अगर पेपर सरल है तो आपको पक्की बात है कि थोड़ा सा अप जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो थी आज की पूरी समरी, मेरी ओर से आपको कल के पेपर की अग्रिम शुभकामनाएं, जो आपकी मेहनत है वो रंग लाए, ठीक है, और 2023 में आपका सिलेक्शन राजकीय सेवा के लिए हो जाए ताकि आपको फिर कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़े। स्टूडेंट ये छोटी छोटी गलतियां थीं जो कि अगर आप नहीं करते हैं तो आप सफलता के कदम जरूर चूमेंगे, है ना, और आपकी मेहनत जो है वो सफल होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ रामानुज मैथ्स क्लासेस की तरफ से मैं आपको पुनः एक बार शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।